2021 में यूके में रहने वाले 12 साल के रैली मॉरिसन को ये जानना था कि क्या मैग्नेट यानी चुंबक अलग अलग समय पर निकला जाए तो क्या वो चिपक कर बाहर निकलेगा। उसने एक के बाद एक 54 चुंबकीय बॉल्स निकल लिए। 4 दिन बीत गए और एक भी चुंबक बाहर नहीं निकला। उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने 6 घंटों तक इमरजेंसी सर्जरी करी और उसके बाद पेट में फंसे चुंबक को बाहर निकाला गया। नंबर 2, 1977 में अमेरिका के टेनेसी में एक औरत के रेप केस में कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। उसमें लॉरेंस मैकिनी नामक एक 22 साल के व्यक्ति भी शामिल थे। 2008 में यानी 31 साल बाद ये पता चला कि लॉरेंस दरअसल बेकसूर है। इसके बाद वहाँ की सरकार ने उन्हें $75 यानी 5,500 रुपए देकर बाहर की दुनिया में छोड़ दिया। वो कई महीनों तक एक ऐसी दुनिया में घूमते रहे जिसको उन्होंने 31 साल पहले देखा था। नंबर 3, 2007 में यूके में रहने वाली एमी डेलामोरा को समुद्र के पास जाने से बैन लगा दिया गया। दरअसल एमी अपने आप को समुद्र में डुबाकर मारना चाहती थी और उसके लिए वो 50 बार से ज्यादा कोशिश कर चुकी है, लेकिन बैन इसलिए नहीं किया गया कि वो मरना चाहती है, इसलिए किया गया कि वो बार बार पानी में डूबकर मदद की गुहार लगाने लग जाती है जिससे इमरजेंसी टीम को उसे बचाना ही पड़ता है। और अब तक सरकार 7 करोड़ से ज्यादा रुपए इसको बचाने में खर्चा कर चुकी है।